हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे अंतरिक्ष में बहुत से ऐसे तारे हैं जो हमसे काफी दूर हैं और उन तक पहुंचना हमारे लिए फिलहाल इमेजिनेशन से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इन्हीं तारों में एक है यूवाई स्कूटी। सिंपल भाषा में आप साइज के अकॉर्डिंग इसे हमारे सूरज का पर दादा कह सकते हैं। हाँ, और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे सूरज से बहुत ज्यादा बड़ा है। टू बी प्रिसाइज 1708 गुना ज्यादा बड़ा। तो अगर धरती सूरज की जगह इतने बड़े तारे का चक्कर लगा रही होती तो क्या होता? पृथ्वी को इतने बड़े तारे का चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता? क्या हम इस सुपर जायंट स्टार का एक ऑर्बिट भी सरवाइव कर पाते? इतने बड़े होने के बावजूद किस चीज में हमारा सूरज इस स्टार से आगे है? और क्या होगा अगर पृथ्वी यूवाई स्कूटी की परिक्रमा करने लगे? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनवधि बालक। नो डाउट, हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स सूरज है और ये सूरज सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वजहों से हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। पर आज के लिए कुछ अलग करते हैं और इस सूरज को यूवाई स्कूटी से रिप्लेस कर देते हैं। आपने ऐसा सनराइज कभी नहीं देखा होगा। ये सूरज इतना चमकीला होगा कि आप बिना सनग्लासेस के घर के बाहर भी नहीं जा पाओगे और धूप से बचने के लिए आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी क्योंकि इस नए सूरज की रोशनी आपको जला डालेगी। ये है यूवाई स्कूटी, एक रेड सुपर जायंट स्टार। इसके सामने हमारे धरती वैसी है जैसे हमारे लिए चीटी। और अभी जो मैंने बताया सिर्फ एक ट्रेलर था और अगर वाकई में ये हमारे सोलर सिस्टम में आ गया तो काफी कुछ बदल जाएगा। यूवाई स्कूटी इतना बड़ा है कि ये बड़ा शब्द भी इसके सामने छोटा पड़ जाए। हाँ, ये पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के द्वारा ढूंढे गए अब तक के सबसे बड़े चीजों में से एक है। और जैसा कि आप देखते हो कि सूरज भी इसके सामने कितना छोटा लग रहा है और पृथ्वी का तो नामो निशान तक नहीं है। यूवाई स्कूटी को 1860 में जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स ने बॉर्न ऑब्जर्वेटरी के मदद से ढूंढा था और इसे सबसे पहले BD125055 नाम दिया गया था। देन दूसरे डिटेक्शन में इसका नाम बदलकर यूवाई स्कूटी रखा गया। ये सुपर जायंट स्टार यूवाई स्कूटी स्कूटम कॉन्स्टेलेशन में लोकेटेड है और हमसे करीब 9500 लाइट ईयर्स दूर है और मिल्की वे यानी कि हमारे गैलेक्सी के सेंटर पर स्थित है। दूसरे ऑब्जर्वेशन के दौरान मतलब कि करीब 740 दिन बाद एस्ट्रोनॉमर्स को इसकी चमक कम ज्यादा होती दिखाई दी जिससे एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे एक पल्सेटिंग वेरिएबल स्टार बताया जो कि समय के साथ स्वेल और श्रिंक करता है। ये सुपर जायंट स्टार हमारे सन के मुकाबले 4,00,000 गुना ज्यादा ब्राइटर है। जैसा कि मैंने बताया ये पल्सेट करता है जिस कारण से ये काफी ज्यादा रेडिएशन एमिट करता है और ड्यू टू विच किसी भी ग्रह को इसका चक्कर लगाना काफी महंगा पड़ता है। वैसे अगर कोई हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे विच इज 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड तो उसे इस स्टार के ग्रेट सर्कल का चक्कर लगाने में 7 घंटे का वक्त लगेगा। वहीं हमारे सूरज के ग्रेट सर्कल का चक्कर लगाने में सिर्फ 14.5 सेकंड। लेकिन एक चीज जिसमें ये यूवाई स्कूटी हमारे सूरज के सामने कमजोर है वो है टेम्परेचर। जहां हमारे सूरज का टेम्परेचर 5,505 डिग्री सेल्सियस है वहीं यूवाई स्कूटी का टेम्परेचर 3,092 डिग्री सेल्सियस। अगर यूवाई स्कूटी ने हमारे सूरज की जगह ले ली तो ये सैटर्न तक रास्ते में आने वाले सभी चीजों को निगल जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि हम आप सब खत्म हो चुके होंगे। सो बेटर यही रहेगा कि यूवाई स्कूटी जहां है उसे अपने जगह पे छोड़ दिया जाए और हम अपने अर्थ को वहीं ले चलते हैं। सो अब हमें अपने अर्थ को इस दानव के आकार के स्टार के हैबिटेबल जोन में रखना होगा और जिसके लिए हमारे धरती को इस स्टार से 1.5 ट्रिलियन किलोमीटर दूर रहना होगा। और इतनी दूरी पर होने की वजह से हमें इस मॉन्स्टर्स स्टार का एक चक्कर पूरा करने में करीब 10,000 साल से भी ज्यादा का वक्त लगेगा और इसके बाद मौसम की डेफिनेशन हमारे लिए पूरी तरह से बदल जाएगी। इतने सालों में एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन बिना एक से ज्यादा मौसम को देखे हुए खत्म हो जाएगी। लोग किसी एक मौसम के बारे में किताबों और ग्रंथों में पढ़ रहे होंगे जैसे हम आज सत्ययुग द्वापर युग त्रेता युग के बारे में सुनते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में लोकेटेड होने की वजह से काफी सारे कॉस्मिक रेस और बाकी तारों से आने वाले रोशनी की वजह से हमारे आसमान दिन और रात हर वक्त नीले रंग के होते हैं और दिन और रात में कोई खासा अंतर भी पता नहीं चलेगा। एज आई सेड, ये एक रेड सुपर जायंट है विच मीन्स ये स्टार मरने के बहुत ज्यादा नजदीक है और जब ये मरेगा ये उम्मीद है कि ये 100 सुपरनोवा के फोर्स से एक्सप्लोड होगा और ऐसा इसके ह्यूज साइज की वजह से होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट इज सुपरनोवा। सो जब एक स्टार एक्सप्लोड करता है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। ये स्पेस में होने वाला सबसे बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सो जस्ट थिंक 100 सुपरनोवा का फोर्स कितना भयंकर हो, क्वाड्रिलियन ऑफ माइल्स तक इसका इफेक्ट होगा। सो अगर धरती वाकई इसकी परिक्रमा कर रही होती तो जरूर यूवाई स्कूटी के रेडिएशन को ह्यूमन बियर नहीं कर पाते
और हाइपोथेटिकली अगर अर्थ यूआई स्कूटी के एक्सप्लोजन को सर्वाइव कर ले पर फिर भी किसी स्टार के ना होने की वजह से धरती पर रोशनी और हीट पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर ये लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सो थैंक गॉड कि हम अपने सूरज का चक्कर लगा रहे हैं जो कि इस यूनिवर्स में काफी ज्यादा यंग है। पर कभी सोचा है क्या होगा अगर हमारा सूरज एक्सप्लोड हो जाए? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे, तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय।